जो ये भूमि है महात्मा बसवेश्वर जी का भूमि है, जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर बोल के नाम है इस भूमि का। और अनुभव मंडप जो बनने जा रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट, 770 शरणा, हर एक समाज के लोग यहाँ आके उस टाइम पे जो अनुभव मंडप बनाए, वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट, नो कास्ट ऑल आर इक्वल, जहाँ भी उसका हिस्ट्री स्टार्ट हो गया वो बसव कल्याण से हुआ। इस है बसव कल्याण में अनुभव मंडप बनने का जो काम चालू है, खुशी की बात है। लेकिन यहाँ के एमएलए अभी सोशल मीडिया में देख रहे हम, जो मठाधीश लोगों को आवाज़ डाले, धमकी दिए बोल के, हम लोग सोशल मीडिया के अंदर जानकारी लेते लेते जब पोस्ट भी देखे कईयों से लोगों का, जब हम इससे पहले भी उनका धमकियाँ सुने थे कि तिपरात का इलेक्शन में भी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, मेरे को क्या है, मेरे को क्या समझे तुम। उसके बाद पहले जब नॉमिनेशन डाले, जब भी उन्होंने ऊंची आवाज़ में बोले थे कि बसव कल्याण में मटका बंद कर दो, मैं बसव कल्याण में गुंडागर्दी बंद कर दो, बसव कल्याण में करप्शन बंद कर दो, जो इन्हें आवाज़ से बोलते, वैसा एक आवाज़ सोशल मीडिया के अंदर घूम रहा है। इनकी जो आवाज़ है मठ के लोगों के ऊपर, मठाधीश के ऊपर आवाज़ दिए बोल के सोशल मीडिया में इनका चलने के बाद मेरे को मालूम हो गया, बसव कल्याण में एक ही मठ है जो स्वामी जी उस मठ के अंदर पीठाधिपति रहते हैं, वो है घनलिंग रुद्रमणि मठ। डॉक्टर अभिनवा घनलिंग रुद्रमणि मठ में हमारे अभिनवा रुद्रमणि स्वामी जी जो हैं, वो स्वामी जी यहाँ पीठाधिपति हैं। उस पीठाधिपति स्वामी जी बुलाए थे, जो एमएलए यहाँ के शरणु सलगर एमएलए है, उनको बुला के अनुभव मंडप का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या स्टेज पे है, हमारा जगह का क्या चल रहा है बोल के। देखो एमएलए रहने के बाद कोई भी आके पूछते, जब बुला के उनकी कमेटी के लोग और उनके भक्त लोग बुला के बात किए बोल के मेरे को मालूम हो गए। होने के बाद एमएलए ने बताए मेरे को जीरो नॉलेज है। फिर पूछे इसका, इस डेवलपमेंट का रिपोर्ट क्या होगा, मेरे को जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज बोल के उन्होंने 2-3 बार बोलने के बाद, जब उन्होंने पूछने के बाद, स्वामी जी पूछे एमएलए को, पूछने के बाद एमएलए बोले मेरे मैडम को भेज देता हूँ, मैं तहसीलदार हूँ, आप उनसे पूछो डेवलपमेंट क्या हो गए, वो स्टेज क्या है। तो स्वामी जी ने उनको पूछे कि हमारा इस अनुभव मंडप का क्या पोजीशन है बताओ। तो इन्होंने जो ऊंची आवाज़ से बात करे स्वामी जी को कि क्या बताया इन्हों, बोले तो मेरे पास एमएलए का पावर है, मैं चाहा तो तुम्हारे को 1 एकड़ जमीन भी रहने नहीं देता, मेरा ताकत है एमएलए का पावर। ऊंची आवाज़ में इनकी जो ताकत मठाधीश के ऊपर जो बताए बोल के हमने सुने, ऐसे बहुत एमएलए को देख के आए हम भी, बहुत मुख्यमंत्री को देख के। इनका संस्कृति आरएसएस कल्चर की पार्टी है, संघ परिवार का पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी जो विश्वगुरु बसवण्णा का कर्म भूमि में हिंदुत्व, और यहाँ हर एक समाज को पहले महात्मा बसवेश्वर जी ने हिंदू मुस्लिम, हमारे बसवा कल्याण में 2 आंख है सर का, राजबक्सर दरगाह में भी हमारे पहले के हजरत जागीरदार साहब थे, और उसके बाद यहाँ हमारे पास घनलिंग रुद्रमणि में अभिनवा गुरुजी, हमारे जो अभी प्रेजेंट गुरुजी हैं उनको जो आवाज़ दिए घनलिंग रुद्रमणि स्वामी जी को, ऊंची आवाज़ में दम देने का जो काम करे एमएलए, हम उसको खंडन करते, हमारे को मालूम हो कि सोशल मीडिया में। और मैं इसी तिपरात का हूँ, इसी गांव का हूँ, वो मठ का भक्त हूँ, लेकिन सभी जितने भी भक्त हैं सभी मुरीद बोलते, सब लोगों को दुख होता है, और हर एक लोगों को जब ऊंची आवाज़ में एमएलए का ताकत बताते हैं बोल के, जो इन्होंने बताए बहुत एमएलए का ताकत देके, जो तुम्हारी यही सिखाए क्या तुम्हारे को प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में यही ट्रेनिंग लिए क्या, दम देने का स्वामी जी लोगों को, दम देने का इलेक्शन में आने का, दम देने का एमएलसी इलेक्शन में, दम देने का। अरे भाई तुम्हारे पास आखिर दम कितना है, आओ खुले मैदान में एक डेट फिक्स करो,
दम है तो फिर देख लेंगे ना, डेट फिक्स करो। स्वामी जी को जाके तुम ऊंची आवाज में बात करते ही, कोई इलेक्शन आया ऊंची आवाज में बात करते ही, मटका बंद कर तो इलीगल काम कराते, हर चीज में कहीं ना कहीं लोगों को दहशत में रखने का काम है कि एमएलए कर रहे। 7 दिन के अंदर इनो स्वामी जी के पास खुले आम लोगों में मैं जो भी बोला हूँ ये गलती हुआ बोल के उन्हें माफी मांगना चाहिए और आइंदा ऐसा ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए स्वामी जी लोगों को। उनका स्वामी जी देखो जब उन्होंने कावी पहनते उनका पूरा जान उन्होंने हर चीज त्याग करे पब्लिक के वास्ते, हमारे पूरा इस एरिया में मंदिर लोगों का भक्त के लिए, लेकिन इन्होंने जो ऊंची आवाज में जो बात करे वो कहीं ना कहीं दुख पहुंचे सो है। और सभी स्वामी जियों को मैं मनवी करूँ, कल इनको धमकी देते कल तुमको धमकी देते, सब मिलके सबके सामने जितने भी मठाधीश हैं जितने भी बसों कल्याण तालुके में मठ हैं सब स्वामी जी के सामने और तिपरात के स्वामी जी को बोलना चाहिए इन्हों जाके पैर पढ़ के मैंने जो भी बोला ये गलत बोला, मेरे हाथ से गलत अल्फाज निकल गया, लेकिन ये गलत अल्फाज जो है धमकी देने का, अगर ओपन में आओ ना धमकी देने का है तो स्वामी जी को डगाए का इलेक्शन में डगाए, जब तुम्हारे पास ताकत है तुम्हारे को लड़ना है गुंडों से लड़ो दादागिरी से लड़ो, स्वामी जी को जाके आप बोलते बोले तो क्या आप एमएलए का सेवक हैं और ऊपर से भाषण में बोलते ना ही वो सेवक, मैं सेवक हूँ जो एमएलए चुने पब्लिक सर्वेंट बोल के ही चुने, जो वोट डाले वोट डाले वाले को बुद्धि है उन्हें वोट क्यों डाले, ही इज द पब्लिक सर्वेंट, इन्हों बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बता गए कि ना निम्न सेवक ये निम्न सेवक सिखाए, ये भारतीय जनता पार्टी में कल्चर है, आरएसएस के लोग भी देख रहे उन्हें भी देखना चाहिए उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसा हुए जब सब एक होके हर समाज के मुस्लिम लोग भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, हर एक धर्म के लोग पूरे मिलके ऐसे एमएलए जो ऊंची आवाज दिखाने वाले को हम सब मिलके न्याय के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। 7 दिन के अंदर अगर से इन्हों माफी नहीं मांगे आगे क्या होता है पूरे मिलके जो हम इनके खिलाफ में जो लड़ना है पूरे मिलके लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी शर्म की बात है एक एमएलए होके क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी को, अभी दिल दर्द होने के सक का, अरे हमको बोलो ना तुमको जो झगड़ा करना है मैं हूँ तैयार हूँ, बैठे सुनो लीडर लोग जितने आगे पार्टी के लीडर हैं उनको आप ऊंची आवाज डालो, ओपन में लड़ेंगे डेवलपमेंट के लिए हक के लिए गलती के लिए, ये उन्हें पब पूछ गए अनुभव मंडप कैसा हो रहा है क्या है, तुम्हारा एक एकड़ भी जगह कहीं नहीं देता, मैं एमएलए पावर दिखाता हूँ, अरे तेरे पास पावर कितना ताकत है देखेंगे, वो मुख्यमंत्री के पास कितना ताकत है देखेंगे, हम लोग सब मिलके लड़े क्या मुख्यमंत्री कौन सा मुख्यमंत्री कौन सा मंत्री काय का भगवंत खूबा मंत्री, अरे कौन भी कहेंगे हमारे लिए है हमारे लिए सेवा करने के लिए हमारे हक के लिए है, इसलिए 7 दिन के अंदर उन्हों बिल्कुल आके सबके सामने गलती हुआ आइंदा मैं कोई भी स्वामी जी को ऊंची आवाज में बात नहीं करता जब तक नहीं बोलेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, ये प्रेस के माध्यम से मैं बोलना चाहूँ। गुजरात इलेक्शन में भी एमएलए का स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने जब त्रिपुरा के लोगों को नहीं सब तालिबानी है क्या उनके क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा उनका आदत सभी लोगों को धमकी देने का हो गए, हमारे जो गुरुजी को जो उन्होंने अपमान किए जो उन्होंने शब्द यूज किए कहीं ना कहीं पूरे भक्त लोगों को अंदर से दुखी हो गए हम लोग, हम 7 दिन का वक्त दे गए एमएलए को, 7 दिन के अंदर वो आके क्षमा नहीं मांगेंगे, वो भी खुलेआम खुला पब्लिक में, अरे हम झूठ रहे उन्होंने झूठ रहे सब साबित होना चाहिए, ऐसा शरण भूमि में नहीं होना बल्कि हम खंडन कर रहे हैं।